ये CAA ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। और आप बताइए, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी भड़का रही है कि नहीं भड़का रही है? आप बताइए, ये सारी जहां जहां आगजनी हुई है उसमें कुछ विशेष लोगों ने अपना योगदान किया है कि नहीं किया है? और यही लोग शाहीन बाग में बैठे हैं कि नहीं बैठे? और यही लोग उकसा रहे हैं कि नहीं उकसा रहे? इन्हीं लोगों का इनको समर्थन है कि नहीं? मेरा दिल शाहीन बाग के साथ है। वाह रे वाह तुम्हारा दिल, मैं शाहीन बाग के साथ हूं। अरे देश के साथ हो कि नहीं हो इसको चिंता करो। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आज सवेरे मैंने स्टेटमेंट दी है, मैंने ट्वीट किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनको देश बाद में है, वोट बैंक की राजनीति पहले है, वोट की राजनीति पहले है। वोट के खातिर ये देश का हर कुछ कर सकते हैं। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं इनको देश के साथ कितना प्यार है, इसको आप इस बात से अजमा लीजिए कि 2019 में जनवरी महीने में पुलिस ने ये टुकड़े टुकड़े गैंग के JNU के कन्हैया कुमार और उमर खालिद के खिलाफ जिन्होंने नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, आपने पूरा नारा पूरा कर दिया, तेरे का शर्मिंदा है, टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह, कहा था कि नहीं कहा था? उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए 2019 के जनवरी में पुलिस ने केस के लिए केजरीवाल से परमिशन मांगी। आज 2020 हो गई है, उसने परमिशन नहीं दी है। आप बताइए, ये राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह वालों को साथ खड़े दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? अब इसको क्या बोलिएगा? ये राष्ट्रभक्ति है? ये राष्ट्र के साथ प्रेम है? ये देश के साथ प्रेम है? ये देश के साथ प्रेम नहीं है, ये वोटों के साथ प्रेम है, ये वोटों के साथ प्रेम है। वोट के खातिर, वोट बैंक की राजनीति के खातिर तुम मुख्यमंत्री का काम रखवाला करना होता है कि नहीं होता? उसको रखवाला बनाता है कि नहीं स्टेट का? वह मुख्यमंत्री है, एक साल हो गए, एक साल से ज्यादा, आज तक परमिशन नहीं आई। मैं चाहूंगा कि आप घर घर जाकर के इस संदेश को दीजिए कि इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं।